बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज बेटा हम डेप्रिसिएशन का एक्सचेंज केस डिस्कस करेंगे। डेप्रिसिएशन में, एक्सचेंज केस में मशीन है उसका अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं ये हम देखेंगे। क्वेश्चन है, देखें, ऑन 1 जनवरी 2000 फर्म परचेज मोटर ट्रक 16,000 एंड डेप्रिसिएशन 20% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू, रिड्यूसिंग वैल्यू, डेमनिशिंग रिटर्न डाउन वैल्यू या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डेमनिशिंग मेथड या डिक्लाइनिंग मेथड, सारे केसेस में सेम है। बुक वैल्यू पर डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है। एट द एंड ऑफ 4th ईयर इट वॉज डिसाइडेड टू रिप्लेस दिस ट्रक बाय न्यू वन कॉस्टिंग ₹40,000। It was arranged that the old truck was to be taken in part of exchange and allowances for ₹4,000 being made from the purchase price. Write up the motor truck for 4 year to December 31, 2003. First 4 year का हमने truck का account बनाना है। Depreciation का rate दे दिया है। हमने ये ट्रक परचेज किया है 1/1/2000 पर। कितने का परचेज किया है? कैश लग गया 16,000 का, ये ट्रक हमने परचेज कर लिया, ठीक है जी। 31/12/2000 पर हम इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। जी 16,000 की 20% रेट है, 16,000 का 20% लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3200। टोटल कर लेंगे हम इस साइड का, इसी टोटल को दूसरी साइड पर लिखेंगे। इसमें से डेप्रिसिएशन की वैल्यू माइनस करेंगे तो साल के एंड पे 31/12/2000 दिस ईयर, करंट ईयर के लास्ट में बैलेंस आपका बच जाएगा। बैलेंस सीडी या सीएफ, कैरीड डाउन या कैरीड फॉरवर्ड कहलाता है, 12,800 ये बैलेंस आ गया। फिर इसको हम नेक्स्ट ईयर को ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे, 12,800 1/1/2001 पर बैलेंस बीडी कर देंगे इसको 12,800। अब फिर ये जो बैलेंस आया है इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अगर अगर फिक्स इंस्टॉलमेंट या स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड है उसमें एक ही बार डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली जाती है, फिर वही चलती है, ठीक है। इसमें हर आने वाले बैलेंस पर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। 31/12/2001 पर अब हम डेप्रिसिएशन दोबारा से चार्ज करेंगे तो ये डेप्रिसिएशन 12,800 का हमने कितना लेना है? 20%। ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी 2560। कितने साल तक डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है हमने? 4 ईयर। 4 ईयर के लास्ट में हम इस ट्रक को न्यू के साथ एक्सचेंज करेंगे तो अभी डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाएंगे। इसका टोटल कर लेंगे 12,800, इसी टोटल को बिल्कुल सामने लिखेंगे जी। थर्टी फर्स्ट 12/2001 पर बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा? 9,000, 10,240। इसको फिर बैलेंस कर लेंगे हम 1/1/2002 पर बैलेंस बीडी आ जाएगा हमारे पास। फिर डेप्रिसिएशन 4 साल तक हमने इसी तरह से चार्ज करनी है। फिर डेप्रिसिएशन इसकी 31/12
2002 पर अगेन हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जी, कितनी डेप्रिसिएशन आई? 2048। टोटल कर लेंगे इस साइड का 10240, सेम डेट पर बैलेंस आ जाएगा हमारा बैलेंस सीडी, एट वन नाइन टू जी। लास्ट ईयर आ गया जहां पे हमने एक्सचेंज करनी है बैलेंस बीडी, एट वन नाइन टू। 31/12/2002 के लास्ट में, थ्री के हम लास्ट में ये एक्सचेंज कर रही हैं, मतलब फोर ईयर के लास्ट में, तो 1 2 3 4 ये लास्ट ईयर है। तो लास्ट ईयर में जब हम कर रहे हैं एंड पर, तो डेप्रिसिएशन इस साल की चार्ज होनी है, इस साल की डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है। कितनी आ गई डेप्रिसिएशन? 1638.4। अब यहां पर हमने एक्सचेंज करना है, देखिए हम 31/12/2003 पर हम यहां पर एक्सचेंज कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहां देखेंगे कि हमारे एसेट की वैल्यू हमारे मुताबिक कितनी है आज एक्सचेंज के टाइम पे। एक्सचेंज कब कर रहे हैं? 31/12/2003, चार साल कंप्लीट होने के बाद हम ये एक्सचेंज कर रहे हैं। इस टाइम हमारे एसेट की वैल्यू हमारे मुताबिक कितनी है उसको बोलेंगे बुक वैल्यू। हमारे एसेट की वैल्यू हमारे मुताबिक इसको बोलेंगे बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी है? 8192। ये साल के स्टार्ट में है, साल के एंड पर हम इसको भी माइनस कर देंगे तो बुक वैल्यू आएगी। माइनस करें कितनी है? 1638.4। तो ये बुक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। कितनी आ गई बुक वैल्यू? 6553.6। ये बुक वैल्यू बन रही है। हमारे एसेट की वैल्यू हमारे मुताबिक ये है। ट्रेड इन अलाउंस वो हमारे एसेट को एक्सचेंज के वक्त कितने में ले रहा है, वो कितने में मान रहा है, ये देखें। उसने क्या है? इट वॉज डिसाइडेड टू रिप्लेस दिस ट्रक बाय न्यू वन कॉस्टिंग ₹40,000। ये ट्रक नए ट्रक के साथ एक्सचेंज किया जा रहा है जिसकी कीमत 40,000 है। हमारा कितने में ले रहा है? इट वॉज अरेंज दैट ओल्ड ट्रक वॉज टेकन इन बींग पार्ट ऑफ एक्सचेंज ₹4,000। एक्सचेंज के वक्त वो हमसे ले रहा है ट्रेड वैल्यू, इसको बोलेंगे। हमारे एसेट की वैल्यू हमारे मुताबिक उसको बुक वैल्यू कहेंगे। हमारे एसेट की वैल्यू को वो कितने की ले रहा है, वो कितने में मान रहा है, ये बुक, ये कहलाएगी ट्रेड वैल्यू। बाकी अगर देखें बुक वैल्यू से ट्रेड वैल्यू ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, बुक वैल्यू से ट्रेड वैल्यू कम है तो लॉस होगा। हमारा एसेट हमारे मुताबिक आज है 6553.6 का, मतलब 6553 का आज हमारा एसेट है, लेकिन वो 4,000 में मान रहा है, तो हमें कितना लॉस हो गया? लॉस ऑन एक्सचेंज हमें हो गया 2553.6। ये लॉस हो गया जनाब। ये हम यहां पर लिख देंगे 31/12/2003 पर लॉस ऑन एक्सचेंज। अब आप मुझे ये बताएं, क्या आप उसको 40,000 दे रहे हो इस टाइम? क्या आप उसको 40,000 दे रहे हो नए ट्रक का? आपने कैश कितना देना है उसको? 36,000। शाबाश, हम इस टाइम उसको
न्यू ट्रक की जो कैश वैल्यू पे करेंगे वो कितनी पे करेंगे? 40,000 माइनस जो हमें वो हमारे उसने ट्रक को कंसीडर किया है 4,000 का, तो वो माइनस कर देंगे। हम कैश वैल्यू इस टाइम पे करेंगे कितना? 36,000 हम पे करेंगे जी। ठीक है, यहां पर मैं साथ नोट के नाम से रेफर कर दूंगा ताकि चेक करने वाले के लिए बहुत आसान हो जाए। उसे पता है कि इसने ये कैलकुलेशन यहां की है, नोट टू ये कैलकुलेशन की है मैंने, नोट वन ये कैलकुलेशन की है मैंने, और ये मैं यहां प्रॉफिट एंड लॉस के साथ लिख दूंगा नोट वन। ठीक हो गया जी। अब इसको जब मैं टोटल करूंगा तो बैलेंस सीडी साल के एंड पर मेरे ट्रक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अब मैं इसका जब टोटल करूंगा 4 लाख आ गए, ये कितना हो गया टोटल? करें इसका टोटल 44,192। अभी साल के एंड पे जो मेरा न्यू ट्रक है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 40,000 होनी चाहिए ना भाई, वो तो डेप्रिसिएट अभी नहीं हुआ। तो न्यू ट्रक जो है वो मेरे पास बैलेंस सीडी बचना चाहिए कितना? 40,000, क्योंकि वो तो 40,000 उसकी इस टाइम मालियत है। तो 40,000 अगर हमारा आंसर निकल रहा है यहां तो ठीक है। हाँ .40,000 इसका भी आपने पॉइंट ऐड करना है, फिर 0.6 नहीं आएगा, 40,000 आएगा पूरा पूरा आंसर 40,000। इसी को हम बैलेंस बीडी कर देंगे, 1,1,2,4,5 पर 4 पर हमारा बैलेंस जो है अब जो नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन होने के लिए अवेलेबल है वो कितना है जी? 40,000। ठीक हो गया।